जो है मौजूद हैं इस वक्त हत्ता हेरिटेज विलेज। ये बेसिकली जो है इनकी पुरानी सकाफत है, जहाँ पर जो है जो इनके बादशाह वगैरह जो पहले होते थे किस तरह से रहते थे, तमाम इन्होंने दिया हुआ है किस तरह से इनके महल के अंदर। जब पीछे आपको देखें घर नज़र आ रहे होंगे, किस तरह से लालटेनें लटकी हुई हैं। जब मतलब पहले बिजली तो होती नहीं थी, तो इस तरह से लाइटें जब लालटेनें, मतलब इन्होंने अपना विरसा और अपनी सकाफत महफूज की अंदर महफूज की हुई है। इसके अंदर अभी हम जब जाएंगे आपको दिखाएंगे कि जो मतलब बादशाह का महल था, जहाँ मजलिस होती थी, मदारिस किस तरह से थे, तालीम किस तरह ये लोग हासिल करते थे। खजूर जो है बेसिकली इनकी मेन सकाफती मतलब एक होती थी खजूर, और ये जो कि अब भी है, जो अब भी है खजूर, और जो है मेन इनके जो सी फूड जो होता है वो इनका बेसिक ट्रेडिशन होता था। मतलब वही कमाते थे, वही पकड़ते थे, वही मोस्टली खाते थे। ये पीछे झोपड़ियाँ आपको सारी देखें नज़र आ रही हैं, सारी इनकी जो पुरानी हेरिटेज की जो है इन्होंने सकाफत रखी हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं। जो इनके पुराने कल्चर यूँ समझ ले म्यूज़ियम टाइप का एक बनाया हुआ है इन्होंने, वहाँ पर हम आए। वही ओल्ड टाइप का इन्होंने दरवाज़ा वगैरह लगाया हुआ है। यहाँ पर अंदर बाग भी हैं, ये आप देख रहे होंगे। वो सारा ओल्ड लुक है जो इन्होंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये आप देख रहे हैं कच्चे कच्चे घर पहले के जो बने होते थे। ये जो है मजलिस एरिया है, जहाँ पर जैसे ड्राइंग रूम वगैरह मेहमान वगैरह आते थे तो यहाँ पर जो है तशरीफ फरमाते थे। यहाँ पर देख रहे हैं आप जिस तरह से अंदर एसी चल रहा है, अंदर जा सकते हैं। हाँ, यहाँ तक जा सकते हैं, गाड़ी लगाइए ना। बेडरूम वली भाई का बेडरूम, वली भाई तो बोलना हमारे खाला के बेटे वली भाई। किला वगैरह कुछ बना हुआ है शायद, इन्होंने किले का नक्शा बनाया हुआ है यहाँ पर। आप देख सकते हैं किले का नक्शा है पूरा, और ये रूम पता नहीं किस चीज़ का बनाया हुआ है इन्होंने, बड़ा एक म्यूजियम टाइप का है। ये मुख्तलिफ तस्वीर लगी हुई है, मॉडल एक रखा हुआ है किले का। ये देखें आप किले का कुआँ वगैरह ये वो, पहले शायद ऐसा हुआ करता होगा। ये भी किला है एक ना। अभी थोड़ा सा हम हाइट के ऊपर चढ़े हैं सीढ़ियों पर, और ये ऊपर मज़ीद कुछ सीढ़ियाँ हैं। अभी हम चढ़ते हैं ऊपर, दिखाते हैं आपको मज़ीद और क्या है आगे। मछली में वो शेर व शायरियाँ वगैरह होती होंगी, और इस कमरे के अंदर वो कचेरी वगैरह लगाते होंगे लोग। इधर एक बोर्ड लगा हुआ है,
जहाँ पर ये यकीनन कोई शायरियाँ वगैरह लिखते होंगे। और इसका लुक देख लें आप, ये साइड में जो है खजूर के दो तने इन्होंने लगाए हैं, उसके ऊपर इन्होंने एक खजूर के पत्तों का वो लगाया हुआ है, उसके नीचे बोर्ड है जिस पर कुछ लिखने की जगह है, ये दो टीवी वगैरह हैं। इसके अलावा ये यहाँ पर बैठने की शायद जगह है, यहाँ पर कावा वगैरह बनाने के लिए कोयले वगैरह रखे हुए हैं इन्होंने। ये पुराना म्यूजियम है हत्ता का, जी सर, इसको क्या बोलते हैं, हेरिटेज करके कुछ कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये ट्रेडिशनल सॉन्ग्स एंड डांसेस ये होते थे यहाँ पर इस रूम में, देखते हैं क्या है यहाँ पर। अच्छा, लेकिन यार एलसीडी पहले कभी होती नहीं थी। अच्छा, इन्होंने अभी आने वालों को दिखाने के लिए बनाया हुआ होगा, ठीक है ना। और ये हमारे मिरासियों से मिलते जुलते इस्माइल भाई जो ढोल बजाने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखो ना, ये डांस कर रही है लड़ी, कहाँ पर कर रही है, पूरा डांसिंग भाई। हाँ, ये इनके गाने बाजे और ये इनके जो ट्रेडिशनल रिवायती जो फोक इनके म्यूजिक्स होते होंगे। ये देखें यहाँ पर, ये लेडीज का कुछ डांसेस वगैरह नजर आ रहे हैं, बाल खुले में बाल भी हैं। तना इसका जो है वो ओरिजिनल है, और ये खजूरें जो है वो आर्टिफिशियल रखी हुई है, ये देखें पत्ते भी इसके आर्टिफिशियल है। अच्छा, वही ओल्ड लुक दिया हुआ है, बहुत जबरदस्त बनाया हुआ है। अच्छा है। बहुत जबरदस्त व्यू है, और बहुत ओल्ड तरह का बहुत जबरदस्त व्यू है, बहुत मजा आ रहा है देखने में, और बिल्कुल एक गांव जैसा, जैसे विलेज हेरिटेज इसका नाम है, उसी एतबार से इन्होंने सारा लुक बनाया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है। हाँ जी, तो आपने, आपको हमने विजिट करवाया दी हत्ता हेरिटेज विलेज का, ये जरा सा मुश्किल नाम है, इसको हर बार बोलने में मुझे परेशानी हो रही है, पता नहीं क्या बात है, लेकिन बहरहाल बहुत अमेजिंग था, बहुत जबरदस्त था।